नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि आज बैंक निफ्टी ने किस तरह से मूव किया और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उन स्टॉक्स ने आज किस तरह से जो है ट्रेडिंग की है। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहां पर आपको डेली बैंक निफ्टी की वीडियो यहां पर मिलती है और यहां पर बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है उसके बारे में हम यहां पर डेली चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, बैंक निफ्टी को शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे आज। तो ये देखिए, बैंक निफ्टी ने आज की जो देखिए ओपनिंग जो हुई थी आज आज ओपनिंग 29,876 पर हुई थी। तो कह सकते हैं कि बहुत छोटा सा मतलब 5-10 पॉइंट का जो है मतलब गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। कल 29,786 क्लोजिंग आई थी। तो जो आज हाई लगा वो 29,881 का लगा, लो 29,152 का लगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो है 700 पॉइंट्स की जो है यहां पर मूव हमको आज देखने को मिली है। और ये जो मूव हमको देखने को मिली है ये मूव हमने ज्यादातर डाउनफॉल में देखी है और जो हमने ऊपर साइड की कुछ मूव देखी वो सिर्फ एज ए करेक्शन हम उसको कह सकते हैं कि वहां पर छोटे छोटे करेक्शन थे, जहां पर छोटे छोटे बाइंग के ट्रेड भी हमको मिले थे, हमने वो किए भी थे। तो चलिए हम ट्रेड के बारे में तो चलिए बाद में चर्चा कर लेंगे, बैंक निफ्टी में देखते हैं आज। तो यहां पर अब आप देखिए कि बैंक निफ्टी आज किस तरह से बिहेव कर रहा है। बैंक निफ्टी को अगर आप यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो बैंक निफ्टी अब एक देखिए रेंज बनाता हुआ चले जा रहा है। रेंज मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक ऊपर की ये रेजिस्टेंस लाइन और एक ये नीचे की सपोर्ट लाइन। तो अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि अब ये रेंज ब्रेक कब होती है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी ये रेंज ब्रेक होगी, जब भी ये रेंज ब्रेक होगी तो हमको एक बहुत जबरदस्त मूव देखने को मिलने वाली है, चाहे वो ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए चाहे वो नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए। बट यहां पर हम जो है एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वो नीचे की तरफ की जो है ब्रेक डाउन हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी आप पूछेंगे कि आप मतलब ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। अगर आप यहां पर चार्ट में अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर आप यहां पर RSI देखेंगे तो RSI में अगर यहां पर आप देखने की कोशिश करें, सॉरी मैं आपको यहां पर दोबारा करके दिखाता हूं, यहां पर अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये देखिए यहां पर आपको जो है एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं और यहां पर थोड़ा मैं ठीक कर देता हूं। तो यहां पर ये देखिए, अब ये जो हमने यहां पर हमने ड्रॉ किया हुआ है, यहां पर देखिए अब यहां पर जो क्या है एक बेरिश जो है डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। देखिए जो कोविड से पहले जो सिचुएशन बनी थी वहां पर भी कुछ इस तरह की सिचुएशन थी कि जहां पर मार्केट जो है बैंक निफ्टी कंटिन्यू हायर हाई लगा रहा था और जो है यहां पर RSI जो है यहां पर कंटिन्यू नीचे की तरफ शो कर रहा था। और इस टाइम देखिए अब सेम सिचुएशन बन चुकी है। तो यहां पर अब देखने वाली बात यह हमको अब यहां पर सिर्फ ब्रेक डाउन होने का हमको इंतजार करना है, उसके बाद हम यहां पर पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं और यहां पर हम जो है इंट्राडे में जो हम ट्रेड करेंगे वो जो है सेल साइड के ट्रेड हम ज्यादा करेंगे। बाइंग साइड के ट्रेड हम करेंगे सिर्फ एक मतलब समझ लीजिए छोटी सी मूव के लिए, 40-50 पॉइंट की मूव के लिए। अब यहां पर देखिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आज बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया उसके बारे में मैं बात करूंगा। अभी पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि अगर कल आपने यूट्यूब वीडियो देखी होगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे पैसे यहां पर बनाए होंगे। तो अब यहां पर देखिए, कल मैंने आपको एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके बताई थी। ये ट्रेंड लाइन अभी ध्यान से देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके बताई थी कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो हम जो है यहां पर बेरिश होंगे। अब मैं यहां पर एक घंटे का चार्ट लगाकर आपको दूसरी ट्रेंड लाइन भी दिखा देता हूं जिसके बारे में मैं कल आपको बता रहा था। तो ये हमारी दूसरी ट्रेंड लाइन है, ये देखिए। अब मैं यहां पर मैंने दूसरी ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी है और मैं इसको कलर कर देता हूं, ब्लैक कर देता हूं और इसको हम थोड़ा ठीक कर देते हैं। चलिए ये हमारा हो गया, ये हमारी दूसरी ट्रेंड लाइन हो गई। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और 15 मिनट के चार्ट में जो है चल के देखेंगे कि यहां पर किस तरह से ट्रेडिंग हुई है आज। तो यहां पर ये देखिए, आज मैंने कल आपको देखिए क्लियर कट बताया था कि अगर आपको ऊपर के लेवल पर मिलता है, मैंने आपको एक ऊपर का लेवल बताया था, ये बताया था मैंने 30,200 के आसपास, 30,170 से 200 के आसपास का मैंने यहां पर आपको ये लेवल दिया था। मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूं कि चीजें आपको जो है अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैंने अब इसको ये ड्रॉ कर दिया है। देखिए चीजों को समझना समझिए, समझने के बाद जो है चीजें आसान लगने लग जाती हैं। अगर आप चीजों को समझते नहीं है तो चीजें जो है आप लोग को हमेशा जो है टफ ही लगेंगी। तो यहां पर देखिए, चलिए मैं पहले इसको डिलीट कर दूं। हाँ, अब देखिए ये जो रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन की हमने जो कल चर्चा की थी, मैंने आपको बताया था कि अगर रेड ट्रेंड लाइन के नीचे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो उसके बाद हमारा अगला टारगेट ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है तो ये हमारी ट्रेंड लाइन ये हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली देखिए, अब मैंने आपको एक लेवल और बताया था, ये जो लेवल था जहां पर कल बैंक निफ्टी जो है
सपोर्ट लेकर बाउंस बैक बैंक निफ्टी ने किया था। तो फाइनली मैंने आपको अगर कल की वीडियो अगर हमने आपने देखी होगी तो मैंने वहां पर आपको बताया था 29,670 और 80 का लेवल बताया था। वहां पर मैंने आपको 29,660 का लेवल दिया था और आज मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी मैंने बता दिया था कि 29 अगर इससे पहले हमने एक जो है पुट साइड का ट्रेड बना लिया था। स्टार्टिंग हमने ऑप्शन राइटिंग करी थी तो कॉल हमने यहाँ पर सेल किया था। उसके दूसरे ट्रेड में देखिए, जब मैंने दूसरा ट्रेड लेना था तो वहां पर मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि अब ये जो 29,660 को अगर ब्रेक करेगा तो ये मैं यहाँ पर जो है सेल साइड अप जाने वाला हूँ। सो देखिए, जो मैं आपको वहां पर हिंट देता हूँ तो शायद आपको भी पता लग जाता होगा कि मेरे अगले ट्रेड क्या होने वाले हैं, या फिर मैं अपने अगले ट्रेड की चर्चा आप लोगों से मैं कंटिन्यू टेलीग्राम चैनल में करता रहता हूँ। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको जो है ट्रेडिंग आइडिया मिलते रहते हैं, कंटिन्यू इंट्राडे के ट्रेड वहां पर मिलते रहते हैं। वहां पर मैं क्या ट्रेड कर रहा हूं वो सारी चीजें मैं आपसे चर्चा करता हूं और कंटिन्यू वहां पर जो भी देखिए मार्केट में जो भी कुछ होने वाला है, या मान लीजिए बाउंस बैक होने वाला है या ब्रेकडाउन होने वाला है, उन सब चीजों के बारे में आपको बताता हूं। अगर आपको याद होगा टेलीग्राम चैनल में तो मैंने आपको देखिए एक चीज यहां पर इस तरह से करके बताई थी। एक चलिए मैं आपको वो चीज करके दिखाई देता हूं। ठीक है, मैंने आपको यहां पर ये बताया था कि ये जब एक ग्रीन कैंडल यहां पर बनी थी 9:30 बजे तो मैंने आपको एक इस तरह का साइन दिया था और जो है एक मैंने यहां नीचे की तरफ का साइन दे दिया था। ठीक है, अब मेरे यहां पर कहने का मतलब था कि यहां पर सपोर्ट के पास जो है एक जब ये 15 मिनट की कैंडल बनी थी तो ये एक हैमर कैंडल दिख रही थी, बट मेरे को फाइनली देखिए मैं सेल साइड में ही जाने वाला था। अगर ये ऊपर जाती भी तो मैं 40-50 पॉइंट के लिए जाता। तो फाइनली यहां पर देखिए इसका जो है हाई ब्रेक नहीं हुआ, 29,900 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ। सो हमने जो है यहां पर बाइंग साइड की जो है ट्रेड नहीं बनाया। अगर आपने टेलीग्राम चैनल में वो चार्ट देखा होगा तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो अब देखिए, अब यहां पर 29,670-680 का लेवल जो ये इंपॉर्टेंट था, ये लेवल ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद जो है कंटिन्यू देखिए मार्केट यहां कम से कम 500 पॉइंट्स जो है नीचे की तरफ आ गया। 29,000 अब देख लीजिए 29,660 से लेके 29,150 के आसपास ये कहीं आ गया, तो 500 से ऊपर ही कहीं ये जाकर नीचे की तरफ आया। तो इसमें हमने देखिए आज हमने ज्यादातर ऑप्शन राइटिंग की तरफ ध्यान दिया था। यहां पर देखिए जो मतलब छोटी छोटी मूव हो रही थी, कुछ ऊपर कुछ नीचे, थोड़ी वोलेटाइल मार्केट लग रही थी, सो हमने स्टार्टिंग जो है ऑप्शन राइटिंग रखा। इसमें देखिए कुछ हमारे ऐसे ट्रेड थे जिसमें हमने 50-60 पॉइंट ही बुक किए। फाइनली जो हमने लास्ट ट्रेड लिया था उसमें हमने देखिए एक स्टार्टिंग में जो 70% क्वांटिटी बुक की उसमें तो हमने 123 पॉइंट बुक किया, और जो दूसरा हम स्लॉट हमने बुक किया उसमें ऑलमोस्ट हमने 200 पॉइंट्स के आसपास हमने बुक किया। तो लास्ट ट्रेड में हमने जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट हमको देखने को मिला था, जो सेकंड सेशन में जो है जबरदस्त एक जो डाउनफॉल देखने को मिला था उस सेशन की बात मैं कर रहा हूं। तो चलिए अब हम यहां पर चर्चा करेंगे, चलिए आज यहां पर जो हुआ चलिए हुआ, अब हम जो बात करेंगे कि कल हमको क्या करना है, किस तरह से हमको कल ट्रेडिंग करनी है। तो यहां पर मैं चार्ट यहां पर 15 मिनट का मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। अब यहां पर देखिए अब हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होने के बाद यहां पर फाइनली अगर ये यहां पर देखेंगे इसके आसपास, ठीक है, तो यहां से कहीं रेजिस्टेंस लेकर जो है सपोर्ट लेकर देखिए यहां पर बाउंस बैक हुआ। ठीक है, तो अब देखिए अब हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पर देखिए अभी ज्यादातर हमको जो है अभी सेल साइड की तरफ ही देखना है। ठीक है, सेल साइड की तरफ ही अभी हम ज्यादातर फोकस करेंगे, बिकॉज जो है बाइंग में अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है जो स्ट्रेंथ अभी सेल साइड में मतलब आ चुकी है। तो यहां पर देखिए अगर हमको यहां पर बाइंग के लिए जाना है तो बाइंग के लिए हमको यहां पर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर यहां पर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, देखिए तीनों सिनेरियो की बात करने जा रहा हूं मैं, अब यहां पर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो आपको ये लेवल क्रॉस होने का वेट करना है 29,680 का ही, जिस लेवल को हमने ब्रेक किया था और ब्रेक करने के बाद हम कंटिन्यू नीचे की तरफ आ गए थे। अब जब तक हम इसके ऊपर क्लोज नहीं करते तब तक हम यहां पर बीएश रहेंगे और हम सेल साइड के ट्रेड को ही ढूंढेंगे। ठीक है, 29,600 के ऊपर की क्लोजिंग के ऊपर ही हम जो है बाइंग साइड को जाने वाले हैं, अदरवाइज हम जो है बाइंग साइड को नहीं जाने वाले हैं। बाकी उसमें देखिए अगर डाटा के हिसाब से, मैं डाटा एनालिसिस के हिसाब से भी ट्रेड लेता रहता हूं, अगर डाटा एनालिसिस के हिसाब से कुछ ट्रेड मिलेंगे तो मैं आप लोगों को वहां पर जरूर टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, बट मेरे हिसाब से यहां पर जो है अभी हम जो है सेल साइड की तरफ जाए देखें तो बेहतर रहेगा। तो देखिए मैंने यहां पर आपको बताया फ्लैट ओपनिंग में जो है आप जो है 29,680 के ऊपर ही बाइंग कर सकते हैं, दूसरा बाइंग आप कर सकते हैं अगर मार्केट मान लीजिए यहां से कंटिन्यू नीचे आना चालू हो और यहां पर कोई कंफर्मेशन मिलती है, मींस यहां पर कोई डबल टॉप पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे, उसके बाद यहां पर कोई 40-50 पॉइंट के लिए आप जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब आप बाइंग साइड जा रहे हैं तो आपको जो है प्रॉफिट जल्दी से जल्दी बुक करना है, 30 पॉइंट मिल जाए, 40 पॉइंट मिल जाए, 50 पॉइंट मिल जाए, ठीक है ना, और बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। और आप देखिए आराम से कब बैठ सकते हैं, जब आप सेल साइड का ट्रेड ले रहे हैं, सेल साइड का ट्रेड लेने के बाद आप आराम से बैठ सकते हैं, मार्केट में लोअर लो लोअर हाई बनने का वेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर गैप अप ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, गैप अप ओपन में अगर आपको मार्केट फिर मान लीजिए अभी यहां पर क्लोजिंग 29,450 के आसपास की है, अब आपको गैप अप ओपनिंग मान लीजिए 100-200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग होती है और 29,600-650 के आसपास मिलता है, तो यहां से आप जो है सेल के लिए देख सकते हैं।
ठीक है। और दूसरा सेल के लिए हम देखिए इस लेवल पर भी देख सकते हैं 29,920 के लेवल पर, अगर मार्केट आपको 29,680 के लेवल पर, 650 से 680 के लेवल पर और 29,900 से 920 के लेवल पर मिले तो यहां से जो है आप जो है सेल के ट्रेड बना सकते हैं। और यहां पर देखिए हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा हो जाएगा और टारगेट हमारा यहां पर एक बहुत बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने बात कर ली कि देखिए फ्लैट ओपनिंग में किस तरह से ट्रेड करना है और गैप अप ओपनिंग में किस तरह से ट्रेड करना है। गैप अप ओपनिंग मान लीजिए आपको 29,680 के ऊपर मिलती है, 680 के ऊपर मिलने के बाद जो है अगर प्राइस एक्शन देखने के बाद तब हमको ऊपर की तरफ जाना है। अब यहां पर देख लीजिए अगर यहां पर कोई गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन ओपनिंग मींस जो है आज का जो लो लगा हुआ है, सॉरी ये जो लास्ट टाइम का जो सेकंड सेशन में जो स्विंग लो लगा हुआ है तो इसके नीचे अगर मार्केट की ओपनिंग हो जाती है तो हम जो है यहां पर क्लियर कट जो है पहले 5 मिनट की कैंडल का हम वेट करेंगे। अगर वो कैंडल हमको बीरिश दिखती है तो हम वहां पर उसके बाद जो है हम सेल साइड जा सकते हैं। और डाटा एनालिसिस को भी जरूर आप इसको साथ में जोड़ के रखिए और जो है अपने टेक्निकल एनालिसिस को भी साथ साथ में इसको देखते रहिएगा। देखिए ये दोनों चीजें जो होती हैं आपके ट्रेड को कंफर्म करती हैं, डाटा एनालिसिस और जो है टेक्निकल एनालिसिस, ये दोनों चीजों को अगर आप साथ में लेकर चलते हैं तो आपको यहां पर एक बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलता है। तो चलिए आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक ट्रेड करते हैं उनके बारे में। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक जैसा मैंने आपको बताया हुआ 590 के नीचे ही हम इसको सेल साइड को जाने वाले हैं, अदरवाइज मार्केट यहां पर देखिए 4-5 दिनों से कंटिन्यू रेंज बाउंड है, अभी इसको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक, तो बंधन बैंक को देखिए हमने ट्रेड करना है ये 380 रुपए के ऊपर, 380 के ऊपर हमारा टारगेट होगा 383, 386 और 390 रुपए। नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक ने देखिए आज जो है साथ नहीं दिया बैंक निफ्टी का। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये तीन ऐसे बैंक हैं अगर ये तीन एक दिशा में चल पड़े तो समझ लीजिए बैंक निफ्टी को उसी दिशा में लेकर चल पड़ते हैं, बिकॉज इन बैंकों की वेटेज जो है बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा है। एचडीएफसी बैंक की वेटेज सबसे ज्यादा है, उसके बाद आता है कोटक बैंक, उसके बाद आता है आईसीआईसीआई बैंक। तो देखिए आज एचडीएफसी ने भी साथ नहीं दिया, अब हमको कल क्या करना है, अगर ये 1390 के नीचे अगर कल ट्रेड करना चालू करता है तो हम जो है इसमें सेल साइड के लिए जा सकते हैं, हमारा टारगेट जो होगा 1350 के आसपास का होगा। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक ने देखिए फाइनली कल यहां पर जो एक ट्रेंड लाइन ये ब्रेकआउट हुआ था, ये देखिए जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था और मैंने आपको यहां पर बताया था कि अगर आपको बाइंग करनी है तो 490 के ऊपर देख सकते हैं, बट यहां पर जो है 490 का आज लेवल ही नहीं आया, सो हमारा जो है यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब हम इसको देखेंगे बाइंग साइड, देखिए आपको आईसीआईसीआई बैंक को अभी सेल साइड बिल्कुल नहीं देखना है, चाहे बैंक निफ्टी सेल साइड की तरफ जा रही है बट अभी आपको आईसीआईसीआई बैंक को सेल साइड की तरफ नहीं देखना है, 490 के ऊपर आप इसको बाइंग साइड ही देखिए, 495 और 500 रुपए हमारे इसमें टारगेट होंगे। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक ने देखिए कल एक जो है ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट के बाद यहां पर आपको बताया था मैंने कि 900 के ऊपर की एक कम से कम क्लोजिंग 15 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, तो यहां पर 15 मिनट की कोई कैंडल की कोई क्लोजिंग आई नहीं यहां पर। चलिए हम देख लेते हैं, वैसे इंडसइंड बैंक को हमने बाइंग के साइड जाना था बट यहां पर सेल का ट्रेड बन गया था, सेल साइड भी हम जो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, लेवल निकल चुका था। अब यहां पर देखिए 900 के ऊपर की कोई कैंडल कोई भी नहीं दिख रही कि ऊपर क्लोजिंग आई हो, सो यहां पर हमारा बाइंग का ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सो यहां पर अब हमको क्या करना है, अब हम इसको बाइंग के लिए देखेंगे 906 रुपए के ऊपर, 906 रुपए के ऊपर कम से कम एक 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए, उसके बाद हम इसको जो है बाइंग साइड देखेंगे। इंडसइंड बैंक और आईसीआई बैंक को अभी आप सेल साइड मत देखिए, इसको आप बाइंग साइड में ही प्रेफर करिए। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक, तो कोटक बैंक को आप जो है सेल साइड के लिए देख सकते हैं, कोटक बैंक अगर आज के लो को ब्रेक करता है तो आप जो है इसमें पोजिशन बना सकते हैं। देखिए आज का जो इसका लो लगा हुआ है, ये लो लगा है 1809 का, तो 1800 के नीचे कैंडल क्लोज हो लेने दीजिएगा, 1800 के मान लीजिए 1795-1796 पे किसी कैंडल की क्लोजिंग आती है तो उसके नीचे आप जो है इसमें सेल ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरबीएल बैंक, तो आरबीएल बैंक भी देखिए कंटिन्यू यहां पर, अब ये लेवल जो है देखिए ये सपोर्ट इसके लिए बन चुका है 219 का और रेजिस्टेंस जो है वो 230 का रेजिस्टेंस बन चुका है, तो 219 का सपोर्ट ब्रेक होने दीजिए या 230 का रेजिस्टेंस ब्रेक होने दीजिए, इसके बाद हम इसको ट्रेड करेंगे, अदरवाइज इसमें हम ट्रेड करते हैं तो यहां पर हम ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखिए मैंने आपको यहां बताया हुआ 253 के ऊपर हम जो है इसको बाइंग साइड के लिए देखेंगे। देखिए अभी बैंकिंग स्टॉक्स जितने भी है अभी अपने समझ लीजिए हाई लेवल के आसपास जाकर जो है कंटिन्यू एक हफ्ते 10 दिनों से वहां पर सस्टेन कर रहे हैं कंटिन्यू, अभी बायर्स और सेलर्स में कंटिन्यू फाइट चल रही है कि इसको ऊपर लेकर जाना है या फिर नीचे लेकर जाना है। देखिए अब यहां पर किसकी जो है विक्ट्री होती है, कौन जीतता है यहां पर, अगर हम बट हमको देखिए जो हमको जो ट्रेड करने हैं वो अपने लेवल पर ही करने हैं, विदाउट लेवल ट्रेड नहीं करने हैं, अगर विदाउट लेवल ट्रेड करेंगे तो आप यहां पर ट्रैप हो सकते हैं। अब बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले मैं ऊपर की ट्रेंड लाइन डिलीट करता हूं,
हूं फिर आपको समझाता हूं। अगर अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर देखिए ब्रेक होता है, मैं आपको 30 मिनट के चार्ट में लेकर चलता हूं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। अब हमने यहां पर 30 मिनट का चार्ट यहां पर देखिए लगा लिया है, ठीक है। अभी मैं चार्ट को थोड़ा जूम करूंगा उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा। अब ये जो ट्रेंड लाइन है कंटिन्यू देखिए, फर्स्ट टाइम एक बार यहां से देखिए सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ, दूसरी बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ, तीसरी बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ और आज चौथी बार जो है यहीं से देखिए सपोर्ट लेकर जो है ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए हमको सेल साइड कब देखना है कि हमको सेल साइड उसी टाइम देखना है जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे आती है तो हम इसको सेल साइड देखना है, और अदरवाइज हम इसको जो है 243 के क्लोजिंग के नीचे हम जो है इसको ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जो आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करिए एंजल ब्रोकिंग में अलाइज ब्लू में, तो वहां पर देखिए आपको अकाउंट ओपन करने के बाद जो है इंट्राडे सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, पर्सनल ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा। वहां पर आपको वो कॉल्स मिलेंगी जो कॉल्स मैं पर्सनल ट्रेड करता हूं, तो वो सारी कॉल मैं वहां पर देता हूं, तो आप लोगों को भी वो कॉल मिला करेंगी। तो जो है ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए, अकाउंट ओपन करिए हमारे साथ और जो है प्रीमियम सर्विस को फ्री में जो है एंजॉय करिए। सेकंड, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर देखिए मैं कंटिन्यू चार्ट पोस्ट करता रहता हूं, इंट्राडे में कम से कम मैं 15-20 चार्ट मैं वहां पर पोस्ट कर देता हूं कि अभी मार्केट में कैसा सिनेरियो चल रहा है या फिर मैं कौन सा ट्रेड ले रहा हूं, अभी कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है, कौन सी ट्रेंड लाइन यहां पर अभी काम कर रही है, वो सारी चीजें मैं आपको वहां पर बताता रहता हूं। अगर आप ऑप्शन ट्रेड रहे हैं या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करिए। वीकेंड पे मैं वहां पर आपको जो है पोजिशनल ट्रेड्स भी देता रहता हूं कि जो भी ट्रेड देखिए जो अच्छे हैं, जो ब्रेकआउट लेवल पर आ चुके हैं या ब्रेकआउट कर चुके हैं, वो सारे ट्रेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।